31 जुलाई को मिलेगा एंटरटेनमेंट का सुपर डोज। रिलीज होंगी ये फिल्में। सिनेमा घर बंद है और कोरोना काल में फिल्में सीधे मोबाइल व टीवी स्क्रीन पर रिलीज हो रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की रिलीज के इस क्रम में आने वाली वीकेंड पर बड़ा धमाका होने वाला है। ये वीकेंड दर्शकों के लिए कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या रहेगा इन फिल्मों की रिलीज का समय और क्या होगी इनकी कहानी। फिल्म शकुंतला देवी। फिल्म गुलाबों सितारों के बाद शकुंतला देवी अमेजोन प्राइम की दूसरी वर्ल्ड प्रीमियर है। विद्या बालन स्टार ये फिल्म ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की बायोपिक है। फिल्म 31 जुलाई से अमेजोन प्राइम यूजर्स के लिए देखने को उपलब्ध रहेगी। 11 ये फिल्म भी रिलीज होगी 34 जुलाई को। इसे G5 पर रिलीज किया गया। फिल्म में विद्युत जामवाल, अमित शाह, श्रुति हसन और विजय वर्मा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी कुछ दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्त जो अपना बचपन साथ में बिताते हैं और बड़े होकर गैंगस्टर बन जाते हैं। अवरोध। शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब के एक चैप्टर पर आधारित इस सीरीज में सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की जद्दोजहद को दिखाया गया है। 9 एपिसोड के इस सीरीज में अमित शाह लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। लूट केस। ये फिल्म है घर पर ज्यादातर वक्त पत्नी की चिक-चिक सुनने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे एक दिन अचानक पैसों से भरा सूटकेस मिल जाता है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। रात अकेली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। ये फिल्म 31 जुलाई को ही रिलीज हो रही है। हनी तेहरान ने फिल्म का निर्देशन किया है।